पीएम मोदी और सीएम ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। देखिए हादसा, सुबह सुबह जब लोग नींद के आगोश में थे तो उन्नाव के हाईवे पर कुछ लोगों के लिए काल दौड़ रहा था। बिहार के शिवहर से एक डबल डेकर बस की तरफ आ रही थी, गहरी नींद में थे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को क्या पता था कि वो अपने अंतिम सफर पर निकले हैं। उन्नाव के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ। हादसे के पीछे ओवरटेक जा रहा है चल रहा था। बस के ड्राइवर ने टैंकर को ओवरटेक करने की कोशिश की। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ड्राइवर को झपकी भी आ रही थी। कंटेनर को ओवरटेक करने की कोशिश में बिगड़ गए। टैंकर था कि बस के तो परखच्चे ही उड़ गए, टैंकर भी बुरी तरह क्षति का आ रहा है। लगते ही बस पलटी खाई, टक्कर की आवाज दूर तक सुनी गई। सुबह करीब 5:15 यह पुकार मच गई, कई लोगों की आवाज तो शोर के साथ ही दब गई। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो रूह कपाने वाली। इसके अफरा कई अपनी जान गंवा चुके थे, वहीं कुछ यात्रियों को तुरंत मदद की जरूरत थी। राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची, सामने जो मंजर देखा उससे सभी लोग सिहर गए। लाशों का पुलिस घायलों को अस्पताल ले गई। कई लोग दम तोड़ चुके थे। मृतकों में 14 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल। मृतदर बिहार रहने वाले बताए। घायलों में से 5 लोगों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। एकदम आ जाए में देखे तो से पूरे खत्म थे। धीरे धीरे करके हम नीचे उतरे और साथ में उनको निकालते गए। हम एक आदमी बाद अंदर बाद में जाकर फिर निकालते गए। कितना दर्दनाक हादसा लगा। बहुत उस हम लोग का तो होशे हवास नहीं थे, क्या समझ में दिमाग ने पूरे देश को झकझोर दिया। पीएम ने सड़क हादसे पर दुख जताया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजन रुपए दिए जाएंगे। पीएम का पोस्ट भी सामने आया है, इसमें लिखा है उन्नाव में हुई उनके प्रति मेरी संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ मैं घायलों के जल्द पर गहरा शोक जताया है, मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी है, घायलों के उचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि बस के कागजों में मिला पता फर्जी निकला है। बस महोबा के एक किसान के नाम पर रजिस्टर्ड है, जबकि दिल्ली से इस बस का संचालन हो रहा था। जांच में बस का परमिट और बीमा भी नहीं मिला है। पुलिस हादसे की जांच पड़ताल कर रही है। हादसे के पीछे बड़ी लापरवाही सामने आई है और उसका नतीजा ये हुआ कि कई घरों ने अपने सदस्यों को खो दिया। उन्नाव से न्यूज 18 के लिए अनुज गुप्ता की रिपोर्ट।